पंकज जी, ये जो सड़क हादसा हुआ इसको आप कितना गंभीर मानते हैं और किसकी लापरवाही मानते हैं इसको? देखिए, मैं अभी इन सब चीज़ों पर लापरवाही और ये क्या है इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं जी। 24 घंटे में रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, उस पर वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन मैं घटना स्थल पर भी मैं होते हुए आया हूँ जी। बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही दर्दनाक घटना है और उसका अंदाज़ा वहाँ पर देख के ही लगाया जा सकता था कि कितनी भयानक घटना यह रही होगी। और सुबह 4:30 बजे हुई है, इसमें जो भी विषय हैं वो तो जांच के बाद ही आएंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो घायल हैं वो जल्दी से रिकवर हों इसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जिनकी जान गई है ऐसे सभी शोक संतृप्त परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं और ईश्वर उनको शक्ति दे। पंकज जी, ये बात ठीक है कि जांच के आदेश हो गए और स्वास्थ्य बेहतर, इलाज हो उसके लिए भी आदेश हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसे लगातार हो रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, इस पर सरकार क्या कर रही है? लगातार हादसे होते हैं आए दिन ओवर स्पीड की वजह से। मैंने कहा कि आज ऐसी घड़ी में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री वो दोनों लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो यही सब लोग यह चाहते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, यही मैं समझता हूँ। अखिलेश, ड्राइवर की लापरवाही सामने आई, बताया जा रहा है वो दूसरे रूट पे जाना था और इस रूट पे भेज दिया। ड्राइवर अनजान था, रूट की जानकारी नहीं थी, ये सब बातें सामने आ रही हैं। अभी मेरी तरफ से मैं बिना किसी तथ्य के मैं कहना यह उचित नहीं होगा, जांच रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, अखिलेश यादव ने 50